इन्वेस्टिगेशन नवाकोट पुलिस की कोशिशें रंग ले आईं। 3.5 माह कबल अगवा होने वाली मासूम बच्ची को बाजियाब करा लिया गया। अगवा के वक्त नौमौलूद की उम्र सिर्फ 12 घंटे थी। मुलजिमा गिरफ्तार, पुलिस ने बच्ची को वालिदैन के हवाले कर दिए। देखते हैं फयाज मलिक की रिपोर्ट। इन्वेस्टिगेशन पुलिस नवाकोट की कोशिश कामयाब। 3.5 माह कबल अगवा होने वाली मासूम बच्ची बाजियाब। गमजदा वालदैन के चेहरे खिल उठे, कहा लगते जिगर की बाजियाबी पर पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मैं अल्लाह का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैंने तो सारी उम्मीद उतार दी थी कि मुझे नहीं मिलेगी, और साथ ही मैं अंकल का, इंस्पेक्टर अंकल का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। DSP मियाँ रियाज का कहना था कि मुलजिमा नाजिया अकरम को ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार करते हुए इसके कब्जे से मासूम बच्ची को बाजियाब करवाया। मुख्तलिफ पहलुओं पर मजीद तफ्तीश जारी है। बच्ची को हमने बाजियाब इस तरह करवाया कि इसमें कम्युनिटी पुलिसिंग का बड़ा हाथ है, लोगों के तावन का। बस इस तरह हम कहते हैं कि लोगों के तावन के साथ पुलिसिंग अच्छी होती है। इसके जो एक तो CCTV फुटेज वहाँ पे इस औरत की आ गई थी, फोटो हमारे पास थी, उसको हमने पब्लिश किया मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। आज फिर एक हॉस्पिटल के अंदर से इसको फिर गिरफ्तार किया। 30 सितम्बर को नवाकोट के इलाके कोट कम्बो में बशीर अस्पताल से मोहम्मद अमीन की 12 घंटे की नौमौलूद बच्ची को अगवा किया गया, जिसका मुकदमा नौमौलूद के वालदैन ने थाना नवाकोट में दर्ज करवाया। कैमरामैन जहीर के साथ फयाज मलिक, लाहौर न्यूज़।